हिट जैम्स व्हाट्सअप। तो क्या आपको भी ये फील होता है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? क्या लोग आपकी भी बातों को इग्नोर करते हैं? इवन आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी आपकी बातों को इग्नोर करते हैं? तो गाइज आज की वीडियो आप ही के लिए है। तो गाइज आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर फर्स्ट, डोंट टॉक रबिश। तो गाइज आपने बात खुद ने भी नोटिस की होगी कि लोग कभी भी बहुत ज़्यादा बोलने वालों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि गाइज उनकी जो बातें होती है वो बिना सिर पैर की होती है। उनकी बातों का कोई भी सेंस नहीं होता है। आपके आसपास, आपके फैमिली में, आपके गाइज फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गाइज बिना सेंस की बातें ही करते हैं और उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो लोग गाइस कभी भी कुछ भी कहीं पर भी बोल देते हैं। वो गाइस कभी भी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते हैं। उनके जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं। इसलिए गाइस आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप जब भी बोले हमेशा थोड़ा ही बोले, जितनी ज़रूरत है उतना ही बोले। और गाइस आप जब भी बोले हमेशा सोच समझ कर ही बोले। और हाँ गाइस, आपको कभी भी किसी को बिना मांगे एडवाइस नहीं देनी है। इससे गाइस आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो भी बनी रहती है और आपकी जो एडवाइस होती है उसकी भी कदर होती है। नंबर सेकंड, सेट योर लिमिट्स। तो गाइज ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और गाइज ये क्या है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ढील दे देते हो, जिसकी वजह से गाइज उनके मन में जो भी भड़ास होती है वो आपके ऊपर ही निकालते हैं। उनके मन में गाइज जो भी आता है वो आपको बोल देते हैं। अगर गाइज आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको अपनी लिमिट्स को सेट करना ही होगा। आपको गाइज अपना स्टेटस बनाना ही होगा। और अगर उन लिमिट्स को कोई क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आप उसे सीधा बोले कि देख भाई, मजाक एक अपनी अलग जगह पर है और डिसरिस्पेक्ट करना एक अपनी अलग जगह पर है। तो इससे क्या होगा कि अगली बार वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से पहले 100 बार सोचेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों से फाइट करें, बट गाइस अपना स्टैंड तो लीजिए जिससे आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बची रहेगी। नंबर थर्ड, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरों से रिस्पेक्ट करवाने से पहले क्या आप अपनी खुद की भी रिस्पेक्ट करते हैं? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। दूसरे तो आपकी बाद में रिस्पेक्ट करते हैं, पहले तो आपकी अपनी खुद की नज़रों में कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो गाइस आपको कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है और आपको अपने आप को ही पहले प्रायोरिटी देनी है। अगर आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो वो कैसा सोचेगा या मैं वैसा कर दूंगा तो वो कैसा सोचेगा, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अपने आप को ही पहले होने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो गाइस जब मैं स्कूल में था तो मेरा एक फ्रेंड जो कि अदर सेक्शन में था, मुझे उसका वेट करना पड़ता था क्योंकि गाइस उसकी छुट्टी लेट होती थी और मैं ये सोचता था कि अगर मैं उसे बिना बताए घर चला जाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा। और गाइस उसकी वजह से मुझे कई बार अपने ट्यूशन में भी लेट हुआ है। बट गाइस मैं उस टाइम पर दूसरों को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। मैं अपने आप के बारे में नहीं सोचता था, मैं दूसरों के बारे में ही सोचता था। बट गाइस अब मैं समझ चुका हूँ कि अगर आप अपने आप को स्टड मानते हो तो दुनिया भी आपको स्टड मान लेगी। तो इसलिए गाइस आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमेशा अपने लिए ही होनी चाहिए। नंबर फोर्थ, गिव रीजन टू टेक रिस्पेक्ट। तो गाइज अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरी रिस्पेक्ट करने लग जाओ तो क्या आप मेरी रिस्पेक्ट करने लग जाओगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। लोग आपकी सिर्फ तभी रिस्पेक्ट करते हैं जब आप लोगों को कोई रीजन देते हो रिस्पेक्ट करने का, जब आप में कोई बात होती है। हम जिसे भी अपना आइडल मानते हैं या फिर हम जिसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव जरूर किया होता है। तो गाइज अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर अचीव करना होगा। नंबर फिफ्थ, फॉलो योर गोल्स। तो गाइज ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर गाइज आपका कोई भी गोल नहीं है, आपका कोई भी एम नहीं है, तो आप पूरे दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो। आप हमेशा आवारा की तरह घूमते हो, कभी इस लड़की के पीछे, कभी उस लड़की के पीछे। इसकी वजह से गाइज आपकी जो इमेज होती है वो भी ख़राब होती है और आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी ख़राब होती है। और गाइज ये चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए भी सही नहीं है। जब आप अपने गोल के लिए डेडिकेट होते हैं तो इससे आपको फालतू टाइम नहीं मिलता है गॉसिप करने का या फिर दूसरों के लिए अवेलेबल रहने का। और गाइज लोग आपके डेडिकेशन को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर करना। और गाइज अगर आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई हो मेरी इस वीडियो से तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइज अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।